कैसे हैं सब? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे। जी तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मोटी सिवैयाँ, जो बहुत ही मज़ेदार बनती हैं और इन्हें बनाना भी बहुत आसान है। बारीक सिवैयाँ मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, जिसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने एक पैकेट मोटी सिवैयों का लिया है, इसे खोलते हैं। सिवैयों को तोड़ लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। देखने मैं इनको तोड़ने लगी हूँ, तीन हिस्सों में मैंने इन्हें तोड़ लिया है, ये देखिए। जी तो सिवैयाँ पकाना शुरू करते हैं। हाफ कप से कम मैंने इसमें तेल डाल दिया है। सबसे पहले हम इलायचियाँ डालेंगे। इलायची को मैंने खोल दिया है। 3 से 4 अदद इलायची मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, साथ ही 4 अदद लौंग भी डाल दी है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसके अंदर सिवैयाँ डाल देते हैं जो मैंने तोड़ के रखी हुई थी। ये देखिए सिवैयाँ मैंने इसमें डाल दी हैं, मिक्स करते हैं इसको। ये देखिए सिवैयाँ अच्छे से ब्राउन हो गई हैं। 2 कप मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ, 2 कप पानी का भी साथ ही डाल देते हैं। हल्की आंच पर जैसे चावलों को दम लगाते हैं इसको हम ढक देंगे और फ्लेम लो कर देंगे। अब हम इसको चेक करते हैं। ये देखिए पानी अभी इसके अंदर काफ़ी मौजूद है। चीनी हम इसके अंदर डाल देंगे। 1 कप मैंने यहाँ भर के चीनी लिया है। चीनी डाल देते हैं इसके अंदर, मिक्स करते हैं इसको अच्छे से। थोड़ी सी किशमिश मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, सिवैयों में किशमिश बहुत ही अच्छी लगती है। मिक्स करते हैं अच्छे से, दोबारा से हम इसको ढक देंगे। आइए सिवैयों को चेक करते हैं। जी तो ये देखिए सिवैयाँ अच्छे से गल गई हैं, ना ये बिल्कुल चिपकी हैं और ना ही ये टूटी हैं। हमारी मज़ेदार मोटी सिवैयाँ तैयार हैं। चीनी जो मैंने यहाँ पर 1 कप ली थी, 1/2 कप उसमें से बच गया है, ये आप देख सकते हैं। सिवैयों को डिश आउट करते हैं। ये देखिए हमारी मज़ेदार मोटी सिवैयाँ तैयार हैं। कितनी जल्दी ये बन गई हैं और बहुत ही मज़ेदार ये तैयार हुई हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बादाम से मैं इसे गार्निश कर रही हूँ। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।